नमस्कार दोस्तों, अटिल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम नारियल का तेल के साथ और दो चीज मिला के अलोवेरा का तेल किस तरह से बनाया जाता है, एक प्राकृतिक तेल है, किस तरह से बनाया जाता है इसका बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इसे हमें मेथी, अलोवेरा के टुकड़े, नारियल का तेल और कड़ी पत्ता। तो सबसे पहला अलोवेरा का पत्ते जो हमने काट लिए है और इसे इस तरह से ऊपर का छिलका जो निकाल के उसका बीच में जो जेली पार्ट यानी कि जेली रहता है बीच में जो, इस तरह से इसे हमें एक कप तक निकाल के एक कप में छोटा छोटा टुकड़े करके इसे कप में तैयार करके रखना है हमें। और बाद में एक बड़ी सी कढ़ाई हमने ले ली है यहाँ पे और उसमें एक लीटर तेल, नारियल का तेल, ये भी प्राकृतिक है, बहुत ही अच्छा नारियल का तेल, सेहत के लिए भी अच्छी है, बालों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसे अच्छा क्वालिटी वाला नारियल का तेल एक लीटर तक करीबन हमने इसे गर्म करने के लिए रख दिया। जैसे तेल गर्म होता है उसमें दो चम्मच इतना मेथी तो ठंडक भी देती है डाल लिया हमने, थोड़ा सा गर्म होते ही मेथी, उसमें कड़ी पत्ता, ये भी एक प्राकृतिक चीज है, प्रकृति से मिला हुआ। तो इसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने देंगे हम। इसके बाद में ये थोड़ा सा हल्का गर्म हो गया तो हमने निकाल के तैयार करके रखा हुआ अलोवेरा का जेल इसमें हमने डाला अभी। तो ये डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लीजिए और इसे ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर, न मध्यम न तेज, धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। बीच बीच में इसे चम्मच के माध्यम से हिलाते रहिएगा, जैसे जैसे ये उसमें तेल में पकता जाएगा अलोवेरा का रंग बदल जाएगा। ठीक है, जैसे बदलता जा रहा है अलोवेरा का रंग, ये अपने आप तेल में अपना जो भी उस विटामिन है या जो भी तत्व है उसके अंदर वो पूरी तरह से तेल में मिल जाएंगे। और जैसे जैसे पकता जाएगा उसका तेल का रंग भी अलग होता जाएगा। 20 मिनट के बाद अलोवेरा पूरा तरह से क्रिस्पी हो जाएगा, यानी कई पत्ता और अलोवेरा तो पूरा सिंक हो जाएगा यानी कि। तो अभी समझिए तेल की जो बुदबुदी आ रही थी वो पूरा तरह से ख़त्म हो गई है, अब ये तैयार हो गया है। तो इसे ठंडा, गैस को बंद कर दीजिए, ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। बाद में एक यानी कि छन्नी, यहाँ पे आप कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लेके तेल को अलग कर दीजिएगा। देखिए तेल का रंग भी अलग हो गया है। तो इसे बाल की पोषण के लिए आप लगा सकते हैं, सिर में लगा सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी लगा सकते हैं इसे। जैसे ही छोटे बच्चों को जब मच्छर काटते हैं तो जहाँ पे उसका मार्क बच जाता है तो उसे लगाने से वो भी हट जाएगा। बहुत सारे उपयोग है इसका, तो इसे घर में ही हम बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।